हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ पे एल्बर्ट रिचर्ड यहाँ इन्हीं की स्टोरी चलेगी इस चैप्टर में एल्बर्ट रिचर्ड हैज रिसीव्ड द सरले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लॉ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी और जो रिचर आ, इब्राइट थे सॉरी रिचर इब्राइट द सरले अवार्ड उन्होंने सरले स्कॉलर अवार्ड पाया एंड द शेयरिंग प्लॉ अवार्ड पाया, पाया फॉर बायो केमिस्ट्री के लिए एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इन सब के लिए इन्होंने मतलब इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं अपनी लाइफ में एंड इट वाज हिज फैशिनेशन फॉर बटरफ्लाइज

साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्कस अभी जो रिचर् रिचर्ड, रिचर्ड ब्राइट हैं ये क्या हैं एक साइंटिस्ट हैं इन्होंने वर्क किया है बटरफ्लाई के ऊपर कि वह कैसे डेवलप होती हैं क्या सेल्स वगैरह होते हैं क्या हार्मोन्स होते हैं उन्होंने हार्मोन्स की मतलब उत्पत्ति या फिर हार्मोन्स के बारे में और डीएनए के बारे में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया है तो यहाँ पे हम सब पढ़ लेते हैं एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू की एज में फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स कि हाउ सेल वर्क कैसे सेल्स मीस कोशिकाएं वर्क करती हैं काम करती हैं यह उनकी न्यू एक थ्योरी थी और जिसकी वजह से उनका जो साइंटिफिक जो वर्ड था उसके लिए जो एक्साइटमेंट थी इनके अंदर जो मतलब फैशिनेशन था था जो इंटरेस्ट था वो क्या होता है खुल जाता है जब ये सब कार्य करते हैं तो अ फार्मर स्काउट ऑफ द स्काउट मींस जब हम स्कूल में कुछ स्काउट्स बने रहते हैं इसमें हम भाग लेते हैं तो उस समय <coughs> फॉर्मर्स मींस अर्लियर स्काउट ऑफ द ईयर ये थे एंड रिचर्ड एल इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेनड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी साइंस इन्होंने और इनके एक रूममेट ने एक्सप्लेन किया बताया द the थ्योरी इस थ्योरी को जो इन्होंने सेल के ऊपर जो सेल्स के ऊपर जो वर्क किया है उस थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया किसमें इन एन आर्टिकल एक आर्टिकल में वो जो आर्टिकल का नाम है वो क्या है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इस आर्टिकल्स में इन्होंने इस चीज़ को पब्लिश कराया और यह जो पब्लिश इन्होंने कराया स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है लेट्स सी इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश दर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम यह पहली बार है कि कोई साइंटिफिक जर्नल पब्लिश हुआ इस जर्नल में इस न्यूज पेपर में जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा गया था ठीक ऐसा बात है क्योंकि Uh, मतलब उस मैगजीन में वो सारी चीज़ें पब्लिश हो रही थी जो मतलब शायद स्टूडेंट्स ने कभी मतलब कुछ उसमें नहीं मतलब पार्टिसिपेट किया ये कि पहली टाइम है कि उस जर्नल में पहली बार कॉलेज स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ें पब्लिश की गई इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम अ बैट अब यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि इन स्पोर्ट्स जैसे कि खेल में दैट वुड बी लाइक अब ऐसा हो कि मेकिंग द बिग लीग बहुत बड़ी लीग बनाई गई हो बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ स्पोर्ट बनाया गया हो एट द एज ऑफ फिफ्टीन और उसमें कोई एक खिलाड़ी हो फिफ्टीन का एज हो उसकी उसकी एज हो पंद्रह साल एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट और वह हिट कर रहा हो होम रन दे रहा हो ऐसा तो मतलब कम एज में ही इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़े कार्य किए हैं फॉर रिचर्ड ए ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स और रिचर्ड के लिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम और यह मतलब पहली बार है कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट जो उनकी जो लॉन्ग मतलब सीरीज जो चली आ रही है अचीवमेंट्स की इन साइंस साइंस में और अदर फील्ड्स में एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाईज और जो भी यह स्टार्ट हुआ किससे स्टार्ट हुआ बटरफ्लाइज ही ऐसा मतलब इनका एक सब्जेक्ट है ऐसा थीम है जिसकी वजह से यह साइंस के लिए इनका द्वार खुल गया एंड ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग Pennsylvania there wasn't much I could do there he said अब कह क्या कहते हैं कि an only child मैं क्या था only child था इकलौता बच्चा था a brought grew up पढ़े पले बढ़े कहाँ north of reading reading is a place of Pennsylvania Pennsylvania USA में एक जगह है and दे आर वॉज मच आई कुयर और वहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था कि जो मैं कर सकूँ आई सर्टनली कूडन्ट प्ले फुटबॉल और बेस बॉल विद द टीम ऑफ वन और मैं मैं निश्चित रूप से कूडन्ट प्ले बिल्कुल भी नहीं खेल सकता था फुटबॉल और बेस बॉल फुटबॉल या बेस बॉल मैं नहीं खेल सकता था विद द टीम ऑफ वन सिर्फ एक टीम के साथ क्योंकि मैं इकलौता था वहां मेरे कोई दोस्त फ्रेंड्स नहीं थे नेबर्स नहीं थे बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट लेकिन सिर्फ एक ही काम था मेरे पास वह था कलेक्ट थिंग्स चीजों को इकट्ठा करना सो ही डिड एंड डिड ही एवर इसलिए उन्होंने क्या, क्या? किया थिंग्स को कलेक्ट किया एंड डिड ही एवर और हमेशा वह यही करते रहे एंड बिगिनिंग इन ंडर गार्डन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट ही मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज और उन्होंने जब किंगर गार्डन से शुरुआत करी मतलब जब अपने स्कूलिंग स्टार्ट की प्राइमरी की एब्राइट कलेक्टेड एब्राइट ने कलेक्ट किया बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया विद द सेम डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ इच्छा के साथ दैट हेज़ मैक्ड ऑल हिज एक्टिविटीज जिसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटी क्या वही मतलब आगे बढ़ी ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइंस इन्होंने और क्या कलेक्ट किया रॉक्स कॉस रॉक्स वगैरह कलेक्ट किए ठीक फॉसिल्स कलेक्ट की एंड कॉइंस कॉइंस में सिक्के एंड ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनर टू समाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट और वो हब क्या बन गए एस्ट्रोनॉमर जैसे बन गए ठीक एंड टू समाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट और कभी कभी क्या होता था वह स्टार को गेजिंग मीन घूरते रहते थे कंटिन्यूसली देखते रहते थे ऑल नाइट पूरी रात वह देखते रहते थे फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियासिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड और क्या था शुरू से ही फ्रॉम द फर्स्ट शुरू से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियासिटी और उन्हीं के पास क्या था बहुत ही वह क्यूरियस थे जिज्ञासु थे अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड एक ब्राइट माइंड के साथ वह क्यूरियस भी थे ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिमाग से तेज है लेकिन जानने की इच्छा नहीं है ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग और उनकी जो मम्मा थी उनको इनकरेज करती थी हमेशा आगे बढ़ने बढ़ाने की कोशिश करती थी बढ़ाती थी फॉर लर्निंग लर्निंग के लिए सीखने के लिए एंड शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स बॉट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप्स कैमराज माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज अब क्या होता है शी टू कीम ऑन ट्रिप्स और वह उन्हें ले जाती थी ट्रिप्स वगैरह में ले जाती थी मतलब घूमने ले जाती थी उनके लिए टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप्स कैमराज एंड माउंटिंग मटेरियल्स लाती थी एंड अदर इक्विपमेंट्स और भी कुछ वस्तुएँ वह ले कर आती थी एंड हेल्प हिम इन मैनी अदरवेज और उनको एब्राइड को वह बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी ठीक है ताकि वह उसका आ, टोटल डेवलपमेंट हो सके और बच्चा क्या हो पिछड़ ना जाए किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को ना जान पाए ऐसा ना हो इसीलिए वह ट्रिप्स में ले जाती थी ताकि वह घूमे फिरे देखे बाहरी माहौल को समझे कैमरास वगैरह माउंटिंग मटेरियल्स अब माउंटेन में जाने के लिए कुछ मटेरियल्स जो भी हो माइक्रोस्कोप्स छोटी छोटी चीजें देख देख सकें ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने कई वस्तुएं अपने बच्चों को दे रखी थी इट वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल हिस्टार्ट स्कूल हिज मदर से अब उनकी मदर कहती है कि मैं सिर्फ ओनली कंपेनियन सिर्फ एक मात्र उसकी कंपेनियन एक फ्रेंड एक दोस्त थी अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया होम फ्रेंड्स फॉर हिम और स्कूल जब उसने स्टार्ट कर लिया तो स्कूल में कुछ फ्रेंड्स बन गए तो वह क्या करने लगे कि होम फ्रेंड्स फॉर हिम उसके फ्रेंड्स को वह घर में लाने लगी ताकि वह उनके साथ खेल सके उसकी सराउंडिंग्स अच्छी हो सके और उसका डेवलपमेंट हो सके बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर और रात में हम दोनों साथ में कुछ चीजें साथ करते थे रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड एनरिची वॉज इन थर्ड ग्रेड और रिचि मेरी पूरी जिंदगी था है आफ्टर हिज फादर डाइड जब से वह उसके फादर खत्म हो गए तब से एनरिची वॉज इन थर्ड ग्रेड और जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो रिचि थर्ड ग्रेड में था शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट वेरी ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल वह और उनका बच्चा स्पेंड करते थे साथ में समय स्पेंड करते थे एवरी इवनिंग हर शाम को एट द डाइनिंग रूम टेबल डाइनिंग रूम टेबल पर दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करते थे इफ हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम नॉट फिजिकल बट लर्निंग थिंग्स अगर उसके पास कुछ करने को नहीं होता था तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम मैं उसके लिए कुछ काम क्या करती थी टूटती थी एंड नॉट फिजिकल वर्क ऐसे काम नहीं जो कि फिजिकल हूँ बट लर्निंग थिंग्स ऐसे काम जिसकी वजह से कुछ वह सीख सके हिज मदर सेड उसकी माँ उनकी माँ बोलती है ही लाइक डिट एंड ही वॉन्टेड टू लर्न और उसे ये सब चीज़ें पसंद थी और वह सीखना चाहता था एंड लर्न ही डिड ही ऑन टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और वह खुद भी लर्न करता था उसमें उसको इंटरेस्ट था एंड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और उसने स्कूल में टॉप ग्रेड्स अचीव किए थे ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड हिज मदर सर उनकी कह उनकी मम्मी कहती हैं कि लर्निंग के अलावा और जो भी उसकी जो एक्टिविटीज थी वो अदर किड्स अदर अन्य बच्चों की तरह ही थी बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ए ब्राइट अब क्या होता है? कि जब वो सेकेंड ग्रेड में थे ब्राइट तो ब्राइड है लगभग पच्चीस स्पेसीज को उन्होंने कलेक्ट किया था स्पेसीज भी सेम फीचर्स की जो भी इंसेक्ट वगैरा है वो एंड फाउंड अराउंड हिज होम टाउन और ये भी ये सारी चीजें उन्होंने कहाँ पाई थी होम टाउन उनके घर के अगल बगल जो भी जगह है वहां से उन्होंने कलेक्ट की थी ये जो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है ये पूरी ट्वेंटी फाइव स्पेसीज हैं जो उन्होंने कलेक्ट करी थी आप इसको रफली देख लें सो दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड और वे कहते हैं कि हो सकता था कि अब ये मेरा इंड हो जाए मतलब मैं अब ये सब बंद कर दूं कलेक्टिंग वगैरह बंद कर बट देन माई मदर मी मीयर चिल्ड्रेन बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन क्योंकि अब क्या हो गया कि ये बटरफ्लाइज वगैरह कलेक्ट करते थे इनको इंटरेस्ट था शुरू में लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था ठीक इनका इंटरेस्ट अब खो रहा था इनका इंटरेस्ट कम हो रहा था ये कलेक्टिंग बटरफ्लाईज में लेकिन सडनली फिर इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वेन जब इनकी मदर इनके लिए चिल्ड्रंस बुक लाती हैं जो कि जिसका नाम है ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स मोनार्क टेन जो ये बुक लाती हैं उसकी वजह से फिर से इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एंड दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट To to Central Africa opened the world of science to the eager young collector. और इस बुक की वजह से जो बताती है, कि, कैसे मोनार्क जो है, करती है की तरफ एंड और इस बुक से ओपन हुआ इनका वर्ल्ड ऑफ साइंस साइंस की दुनिया में इन्होंने एंट्री किया और टू द ईगर यंग कलेक्टर ईगर यंग कलेक्टर के लिए ईगर यंग कलेक्टर यहाँ पे इब्राइट है ईगर यंग कलेक्टर इब्राइट को बोला गया है उनके लिए साइंस का वर्ड खुल जाता है नाउ एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन एट द एंड ऑफ द बुक और जो ये बुक थी मोनार्क टेन वाली उसमें एंड में क्या हुआ है रीडर्स वर इनवाइटेड। रीडर्स को इनवाइट किया गया है टू हेल्प मदद करने के लिए स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन की वह बटरफ्लाई के माइग्रेशन को माइग्रेशन मीन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना ठीक ये माइग्रेशन होता है तो इस चीज की स्टडी के लिए क्या करें हेल्प करें एंड दे वर आस्ट टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए अकर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा और वहां पे क्या कहा गया है कि आप टैग करें टैग करें बटरफ्लाई को फॉर रिसर्च रिसर्च के लिए डॉक्टर फेडरिक अखर्ट के द्वारा बोला गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेंटो कनाडा से हैं एक ये भी रिसर्चर है एंड इब्राइट मदर रो टू डॉक्टर अखर्ट एंड शून इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैक्स टू द विंग्स ऑफ मुनाक उस बुक में यह बोला गया है कि आपको क्या करना है बटरफ्लाईज पे एक टैग लगा देनी एक मतलब जैसे कोई कागज का चिप लगा देना है जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी को हम नोट कर सके वह यहाँ से जैसे हमने उड़ाया एक बटरफ्लाईज को तो वह कहाँ जाके ठहरती हैं ये हम पता करने के लिए और उनकी मदर क्या करती हैं अखाड़ को लिखती हैं और सुन और जल्द ही ब्राइट क्या करते हैं अटैच करते हैं लाइट एधेसिव एधेसिव में जो स्टिक हो जाती है चिपकने वाली चीजें चिपकने वाले जो टैक्स होते हैं जो हल्का जो च, मतलब उसमें ग्लू होता है ऐसे टैक्स को क्या करते हैं अटैच करते हैं टू द विंग्स ऑफ मोनार्क मोनार्क के पंखों पर अटैच कर देते हैं ताकि वह जैसे यहाँ से इनके होम टाइम्स उड़ के कहाँ जाती है ये चीज पता कर सके एंड एनी वन हु फाउंड अ टैक्ड बटरफ्लाई वॉज आक्स टू सेंड द टैक् टू डॉक्टर अखार्ट और जो भी इस टैक्स को पाता है जैसे इन्होंने उड़ाया और दूसरे किसी पार्टिसिपेश जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ठीक डॉक्टर अखार्ट के साथ तो अगर कोई दूसरा बच्चा उस चीज को पाता है तो उसे किसको भेजना है डॉक्टर अखार्ट को वो चीज भेजनी है द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन समर इन लेट समर और जो बटरफ्लाई कलेक्शन का जो सीजन है ना रीडिंग में ठीक रीडिंग जगह है रीडिंग में जो बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन है वह क्या है लास्ट सिक्स वीक्स इन समर समर के जो लास्ट जो छह हफ्ते है ना गर्मियों के जो छह हफ्ते है उसी में आप बटरफ्लाई को कलेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू चेंज दिम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी वेनी और अगर आप चेज करते हो उनका पीछा करते हो एक एक करके तो यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी कि आप बहुत ज्यादा मतलब तितलियों को नहीं पकड़ पाते हो सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वॉज टू अ अफ ऑफ बटरफ्लाईज अब ए ब्राइट का जो नेक्स्ट स्टेप होता है अगला कदम क्या है उनको अगला काम क्या मिला है कि वह रेज करेंगे मतलब फॉक ऑफ बटरफ्लाईज ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज फ्रॉक मीन्स ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज बटरफ्राइज को रेज मतलब है कि पालना वहीं पे बढ़ाना ग्रो करना एंड ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर थ्रू दियर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पिपा टू एडल्ट बटरफ्लाई अब उन्हें यह करना है कि एक फीमेल मोनार्क को लेना है एंड टेक हर एग्स और उसके एग्स लेने हैं एंड रेज देम उनको वहाँ बढ़ाना है पालना पोषना है इन बेसमेंट अपने किसी मतलब एक रूम में जिसमें वह उस चीज़ को लेबोरेटरी की तरफ बना सकें थ्रो दियर लाइफ स्काइन और उनकी लाइफ जो साइकिल है जो बटरफ्लाइज की जो लाइफ साइकिल है उसको क्या करना है नोट करना है फ्रॉम एग कहाँ से पहले एग वो देती है फिर एग कैटरपिलर बन जाता है कैटरपिलर प्यूपा बन जाता है और प्य प्यपा से क्या बनता है एडल बटरफ्लाई एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है इन सबको क्या करना है नोट करना है ध्यान से देखना है रिसर्च करना है देन ही वो टैग द बटरफ्लाईज एंड लेट देम गो अब उसके बाद उन्हें क्या करना है बटरफ्लाईज को टैग करना है और उन्हें छोड़ देना है ठीक क्योंकि एक एक पकड़ना क्या है बहुत ही मुश्किल है ठीक आप एक एक के पीछे जाएंगे एक एक पकड़ेंगे फिर उसके बाद टैग करेंगे फिर भेजेंगे बहुत ही मुश्किल है इसलिए आपको क्या करना है? अपने ही एक बेसमेंट में उन्हें उन्हें कई तितलियों को पालना है और उनको टैग करके भेजना है फिर देखना है कि वह कहां जाती हैं कब वापस आती है years, और बहुत साल तक क्या हुआ उनका जो बेसमेंट था वह घर बन गया थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क हजारों मोनाक्स मोनाक्स में से एक बटरफ्लाई है मोनार्क जो है एक बटरफ्लाई का नेम है या फिर स्पेसीज है तो वह घर बन गया ठीक इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ और बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में वो लोग थे मतलब कुछ मोनाक कुछ स्टेज में थी कोई मोनार अलग स्टेजेस में थी उनका डेवलपमेंट हो रहा था उनके बेसमेंट में और थाउजेंड्स मोनाक्स थी हजारों मोनाक्स थी और ये जो ये चार्ट पेपर है जो उन्होंने कलेक्ट किए थे सिक्स वीक्स में जो तितलियों को उन्होंने कलेक्ट किया था ना वो ये चार्ट है ये सारे इन्होंने तितलियों को कलेक्ट किया था एवेंचुअली आई बिगन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि फिर से मेरा इंटरेस्ट क्या होता है लूज होने लगता है कि टैक करना वगैरह बहुत ही टीडियस हो जाता है एंड इट्स टीडियस टीडियस थकाव हो जाता है एंड दे आरस नॉट मच फीडबैक और बहुत ज्यादा कुछ फीडबैक भी नहीं मिलता है ब्राइट से ब्राइट कहते हैं एंड इन ऑल द टाइम आई डिड इट लेकिन फिर भी मैं क्या करता था ऑल द टाइम हर समय मैं यही सब करता रहता था ये वे हंसते हैं और कहते हैं कि ओनली टू बटरफ्लाइज़ आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड सिर्फ दो ही बटरफ्लाइज़ मुझे रिकैप्चर्ड फिर से वापस मिली जो कि मैंने टैगड की थी उनमें से सिर्फ मुझे दो ही बटरफ्लाइज मिली वो भी एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर आई डिड वो भी कहाँ मिली सेवेंटी फाइव माइल्स की दूरी पर ही मुझे वे बटरफ्लाइज़ मिली जहाँ मैं रहता था मतलब बहुत ही कम दूरी पर ही वे उन्हें मिल गई टैग की हुई देन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ दैट रियल साइंस इज वेन साइंस फेयर एंड लॉस्ट एंड फिर क्या होता है सेवेंथ ग्रेड में जब ये हैं ये ही गॉट अ हिंट इनको एक हिंट मिल जाता है एक आइडिया मिल जाता है अब वॉट रियल साइंस इज कि एक रियल साइंस क्या है काउंटी साइंस फेयर जब एक वह काउंटी वे पार्टिसिपेट करते हैं तो जान पाते हैं कि क्या, होता है, lost, और क्या हो जाता है इस, इस तो वह फेल हो जाते हैं इन्हें कोई भी प्राइज नहीं मिलता है एंड इट वॉज रियलीड फीलिंग टू सिट देर एंड नॉट गेट एनी थिंग

कि फ्रॉग के कुछ टिश्यूज़ रखे थे और जिसको कि वह माइक्रोस्कोप से दिखा रहे थे बस उन्होंने यह किया था एकदम नॉर्मल सा मतलब कुछ दिखाया था वहां पे फेयर में अपना लगाया था एंड ही रियलाइज हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले और उन, उनको रियलाइज होता है कि जो विनर्स हैं जिन्होंने कुछ जीता है उन्होंने क्या किया है कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में कि एक्सपेरिमेंट्स जो कि कुछ रियल हो एंड नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिखा दिया कुछ बता दिया बस ऐसा नहीं कुछ रियल कुछ होना चाहिए ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचुअल ब्राइट वाज अपीयरिंग अब इससे क्या होता है एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब एक जो आगे बढ़ने की इच्छा इनके अंदर क्या होती है ड्राइव होती है इनके अंदर हो, मतलब आती है और रिचर्ड ब्राइट वॉज अपीयरिंग अब रिचर्ड ब्राइट अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं कोशिश करते हैं आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड अ रियल एक्सपेरिमेंट और अब मैं जानता था कि नेक्स्ट ईयर जब फेयर होगा नेक्स्ट ईयर जब यह साइंस लगेगा तो मुझे एक real experiment करना है और मैं जान रहा था कि मुझे किस सब्जेक्ट पर किस थीम पर किस फील्ड पर काम करना है जो कि है क्या इंसेक्ट वर्क जो कीड़े मकोड़े के ऊपर जो वर्क मैं कर रहा हूँ जो मैं बटरफ्लाईस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ मुझे उसी वर्क को आगे बढ़ाना है उसी के अकॉर्डिंग कुछ मुझे फेयर में लगाना है एंड आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल इयर्स और मुझे उस चीज पर काम करना है जिस पर मैं पास्ट सेवरल इयर्स बहुत साल से मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि उनकी बटरफ्लाइज शो ही रोड टू डॉक्टर अकार्ड फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट इसलिए वे डॉक्टर अखाट को लिखते हैं आइडियाज के लिए कि उन्हें कुछ आइडियाज दें एंड बैक वहां से जब वो अरखाट को लेटर लिखे तो बैक केम फिर वापस उनके पास क्या आया ऑफ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का और सजेशन का कि मतलब आपको क्या काम करने हैं इसका एक स्टैक आ गया स्टैक मीन ढेर ही आ गया उन्होंने बहुत सारी चीजें भेज दी बहुत सारे उन्होंने मतलब एक्सरसाइज वगैरह भेज दी बहुत सारे रिसर्च करने का तरीका और कई वर्क उन्हें दे दिया एंड दोज बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेट टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर और ये सब की वजह से क्या हुआ एब्राइट बिजी रहने लगे और उन्होंने हाई स्कूल में एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट यह प्राइज इन्होंने मतलब जीते काउंटी जो रीजनल थे और इंटरनेशनल साइंस फेयर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान जो फेयर मेला वगैरह लग रहा था उन सबने में इन्होंने प्राइज जीता फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट अब यहाँ तक तो सेवेंथ ग्रेड हाई स्कूल सेवेंथ ग्रेड तक की बात चली अब यहाँ पे एट्थ ग्रेड में इन्होंने क्या किया ब्राइट ट्राइड टू फाइंड द काज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू इयर्स अब यह ब्राइट ट्राइज टू फाइंड कि मतलब यह खोजने की कोशिश करते हैं कि जो वायरल डिजीज है वायरल डिजीज तो आप कोरोना से बिल्कुल अवगत हैं कि वायरल डिजीज क्या होते हैं एंड दैल दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क्स कि यह जो सभी मोनार्क्स कैटरपिलर्स जो हैं एवरी फ्यू ईयर्स में कैसे मतलब मर जा रही हैं ठीक ये चीज इन्हें पता करना है कौन सी वायरल डिजीज ऐसा क्या मतलब ऐसा फैलने वाला क्या बीमारी ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से मोनार कैटरपिलर्स हर कुछ साल में खत्म हो जाती हैं तो इॉड थाट द डीट डिजीज जो जो मतलब मतलब खत्म हो रही है तो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल इसलिए वह क्या करते हैं कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ बढ़, बढ़ाने की रखने की कोशिश करते हैं एंड आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट तो इसकी वजह से और वह नहीं कोई रियल रिजल्ट कोई एक सही रिजल्ट उनके हाथ नहीं लगता है मतलब ऐसा प्रूव नहीं हो पाता है कि बीटल की वजह से मोनास कैटरपिलर्स खत्म हो रहे हैंड एंड शोड दैट आई है एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन्ट लेकिन क्या करते हैं वह अब वह आगे बढ़ते हैं शोड दैट उन्होंने यह दिखाया कि मैंने ट्राई किया एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया मतलब तो ये पता लगाने की वायरल डिजीज कैसे हो रही है क्या हो रही है क्यों मर रहे हैं ये लोग मोनाक्स क्यों मर रहे हैं तो दैट टाइम आई वॉन्ट और इस समय मैं जीत गया द नेक्स्ट साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्स अब नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या प्रोजेक्ट लगाया अपना की वह टेस्ट कर रहे हैं थ्योरी दैट वॉयसॉय जो बटरफ्लाइज होती है कॉपी मोनार्क जो वॉयस रॉय जो बटरफ्लाईज होती है और वह मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं अब यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई और वॉयस रॉय बटरफ्लाई को दिया देखो हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप टॉप में जो है ये है मोनार्क ठीक ये मोनार्क है और ये क्या है अब ये देखिए दोनों एक ही तरह दिखती हैं और जो जो है ये मोनार्क बटरफ्लाइज को फॉलो करती हैं अब क्यों फॉलो करती हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो वॉयस रॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स वॉयस रॉय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं फॉलो करती हैं द थ्योरी वॉज दैट वॉयस राय लुक्स लाइक मोनाक्स बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स अब यह थ्योरी में बताया जा रहा है कि वॉयस राय जो है मोनाक्स जैसे दिखती हैं क्योंकि मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स कि मोनाक्स जो है ये जो मोनाक्स है ये बर्ड्स को मतलब खाने में अच्छी नहीं लगती बर्ड्स तितलियाँ खाती हैं तो मोनाक्स खाती हैं बर्ड्स तो बर्ड्स को मोनाक्स पसंद नहीं है तो वॉइस ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स और वॉइस वहीं पे क्या है उनका टेस्ट वॉइस का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगता है सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक्स इसलिए वह मोनाक्स की तरह दिखती हैं ताकि वह लेस लाइकली दे आर बिकम अ बर्ड्स डिनर ताकि वह बर्ड्स का डिनर ना बन सके अब मतलब ऐसा है कि जो मोनाक्स बटरफ्लाइज हैं अब उसकी तरह वॉइस राय भी दिखती है दोनों बटरफ्लाई सेम जैसे दिखती है मतलब कुछ थोड़ा हल्का हिस्सा ही डिफरेंस है और वॉयसराय बटरफ्लाई जो होती है मोनार्क के, के साथ मिल जाती हैं ताकि बर्ड्स रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि वॉयसराय कौन सी है ताकि बर्ड्स का वे लोग डिनर ना बन पाए बर्ड्स उनको खा ना पाए ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्स He found that a starling would not eat ordinary bird food. Sorry, starling would not eat ordinary bird food. अब यहाँ पे क्या है? जो bright का जो project है, अब ये देख रहे हैं कि birds uh, would eat monarch. Monarchो को खाती हैं या नहीं खाती थी? Weather लगा हुआ है। ये बर्ड्स जो है मोनार्क खाती हैं या नहीं खाती हैं तो ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड और ये पाते हैं कि जो स्टारलिंग है एक यूरोपियन बर्ड है ठीक है वो क्या करती है वह वुड नॉट ईट मोना ऑर्डनरी बर्ड फूड ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है। मतलब सारी सारी बर्ड्स को तो वॉइस राय पसंद है तो इन्हें क्या पसंद है मोनाक पसंद है एंड इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट और वह सारी मोनास खा लेती हैं जितना वह पाती हैं एंड इब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉय दैट वॉइस राइज़ प्रोबेबली डू कॉपी टू कॉपी द मोनास और अदर पीपल्स जो भी रिसर्च करते हैं बाद में वो भी पाते हैं कि हाँ मोनाक् वॉयस राय क्या है उनको कॉपी करती हैं एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लान जूलॉजी डिविजन एंड द थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर और यह जो प्रोजेक्ट होता है जूलॉजी डिविजन में तो फर्स्ट प्लेस फर्स्ट स्थान आता है लेकिन थर्ड थर्ड होता है कि इसमें काउंटी साइंस फेयर रीजनल फेयर में यह थर्ड स्थान पर रहता है नाउ द

कीड़े मकोड़ों का जो हार्मोन्स उसकी तरफ यह डिस्कवरी करते हैं और इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स और इनडायरेक्टली ही क्या हो जाता है यह एक उस थ्योरी पर पहुंच जाते हैं जो कि लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में बता रहा है द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल वॉट इज द पर्पज ऑफ द टाइनी ऑफ द

स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंट और कई लोगों को या फिर सभी लोग ऐसा एज्यूम्ड कर लिए हैं ऐसा मान लिए हैं कि द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंट जो भी स्पॉट्स हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंट है सिर्फ वो डेकोरेशन है प्यपा पर इब्राइट सेट ब्राइट ऐसा कहते हैं एंड बट डॉक्टर अखाट डिडन्ट बिलीव इट लेकिन डॉक्टर अखाट ऐसा नहीं मानते हैं to find the answer if and another excellent scientist student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development ab is इस चीज के आंसर के लिए कि वो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स क्यों हैं ए ब्राइट एंड उनके एक स्टूडेंट और, और मतलब एक फ्रेंड है वो जो कि साइंस स्टूडेंट हैं तो उन्होंने फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस उन्होंने एक डिवाइस बिल्डअप किया है बनाया है और जो वह डिवाइस बताता है कि द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग जो स्पॉट्स हैं वह प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे हार्मोन्स जो कि बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है ज़रूरी है दिस प्रोजेक्ट वन अपराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर और इस प्रोजेक्ट की वजह से ब्राइट ने फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पर आए काउंटी फेयर में एंड उनको एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिली देअर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी जहाँ पर उन्होंने थर्ड प्लेस पर वह आए जूलॉजी में एंड ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अब वहाँ पे अब उन्होंने एक चांस उन्हें मिला ही आल्सो गॉट अ चांस उन्हें एक मौका मिला टू वर्क काम करने का ड्यूरिंग द समर समर के समय और एट द एटमोलॉजीबोरेट ऐसी जो जो कि लेबोरेटरी है ऐसी जिस पर क्या हो स्टडी हो इंसेक्ट्स का जो स्टडी हम करते हैं वैसी लेबोरेटरी में, में, है में, में उन्हें काम करने का मौका मिला गर्मियों के समय में ऑफ द और कौन सी है ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिचर्च ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिचर्च में उन्हें रिसर्च में उन्हें काम करने का मौका मिला एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनाक प्यूपा और जब वह हाई स्कूल जूनियर में थे तो रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यू की अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए मोनाज प्यूपा पर एंड दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर और जिसकी वजह से वो उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में समर और फिर और उनको औरबोरेटरी में का, आ, काम करने का ड्यूरिंग द समर समर के समय इन सीनियर ईयर ही अ स्टेप फर्दर अब वह जब सीनियर ईयर में चले गए और आगे बढ़ गए तो ही इवेंट अस्टेप फर्दर हुआ और आगे बढ़े एंड ही विंग्स इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई स्किल्स ओनली इफ देवर फेट द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉर्ट अब उन्हें उन्होंने सेल्स को ग्रो किया फ्रॉम मोनार्स विंग्स मोनार्स की विंग पर एंड इन अ कल्चर

फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स गोल्ड स्पॉट हारमोन्स के साथ जब उन्हें डेवलप किया जा रहा है मतलब जब उन्हें हारमोन्स uh, दिया जा रहा है तभी वह डेवलप हो रही है दैट दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर और यह प्रोजेक्ट उन्हें फर्स्ट प्लेस आया जुलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क ऐट द आर्मी लेबोरेटरी एंड ऐट द लेब्रोरी ऑफ द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उन्होंने जो अपने समर का आ, ग्रेजुएशन के बाद जो समर था उनका समर के मौसम में गर्मियों में उन्होंने वर्क किया फिर से आर्मी लेबोरेटरी में फिर से वर्क किया एंड और, और कहा वर्क किया लेबोरेटरी ऑफ द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी इन्होंने काम किया

फिर से वह गए कहा लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उस लेबोरेटरी उस लैब में गए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का था एंड डिड मोर वर्क और उन्हें और काम किया हारमोन के ऊपर फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स जो गोल्ड स्पॉट्स पे पर लगे होते हैं उनके हारमोन्स पर उन्होंने और काम किया एंड यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर और उस लैबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट्स थे एडवांस जो मशीनें थीं और जिससे काम किया जा सकता था तो ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई जिसकी वजह से वह सामर्थ हुए आइडेंटिफाई करने में कि हारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर हारमोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बताने में उसका परिचय कराने में यह समर्थ हुए अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर अब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ और लगभग अ ईयर एंड अ हाफ लगभग डेढ़ साल बाद आ, अपने जब जूनियर ईयर में वह थे तो अब्राइट गॉट द आइडिया उन्हें आइडिया मिला कि अबाउट द थ्योरी अबाउट सेल लाइफ सेल लाइफ की थ्योरी का उन्हें आइडिया मिला इट केम वाइल ही वॉज लुटिंग लुकिंग एट एक्स रे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हारमोन और यह आइडिया उन्हें कब आया यह थ्योरी उनकी मतलब कब मतलब डेवलप हुई वह तब ये उन्होंने जाना कि जब वह एक एक्सरे देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हारमोन का तब उन्होंने यह चीज पाया वेन ई सॉ दोज फोटोज ए ब्राइट डिडन्ट शाउट यू रे का और इवेन आई हैव इट जब उन्होंने यह फोटोज देखी तो ये ब्राइड बिल्कुल भी शाउट नहीं की मतलब बिल्कुल भी चिल्लाए नहीं यूरेका यूरेका में जब आप जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो तो आप क्या बोलते हो यूरेका और इवन आई हैव अरे आई हैव गॉट इन अरे मैंने ये पा लिया कह के वो शाउट नहीं हुए बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विदिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स दोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी अब बट ही बिलीव दैट लेकिन उनका विश्वास था कि अलॉन्ग विद फाइंडिंग अबाउट इंसेक्स हार्मोन अब जो इन्होंने इंसेक्स हारमोन को जो पा लिया है द फोटोज गेव हिम द एंसर फोटोज से जो इन्हें आंसर मिला है इसकी वजह से एक बायोलॉजी का जो पजल था वो सॉल्व हुआ है हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए कि कैसे एक सेल रीड करता है ब्लू प्रिंट ऑफ डीएनए डीएनए का ब्लू प्रिंट डी का जो बेसिक चीज है उसको कैसे सेल रीड करता है ये चीज जो पजल थी अभी तक वो क्या हो गई सॉल्व होने में मदद मिली एंड डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस Cell that controls heredity. और क्या है? एक substance है, एक तत्व है में के एक तत्व है, जो कि क्या है डीएनए है एंड दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी और जिसकी वजह से हेरिडिटी हमारी कंट्रोल होती है heredity means one generation to अनदर जनरेशन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास होती है उसे क्या बोलते हैं हेरिडिटी बोलते हैं तो डीएनए की वजह से हमारी हेरिडिटी कंट्रोल होती है एंड इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल और यह मतलब सेल के फंक्शन और फॉर्म को डिटरमाइन करता है द्लू प्रिंट ऑफ लाइफ इस प्रकार डीएनए क्या है बेसिस ऑफ लाइफ है लाइफ का मेन चीज क्या है डीएनए होता है एब्राइट एंड हिस्स कॉलेज रूम मेट जेम्स आर वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉविंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट हैपन और आ, इन्होंने एब्राइट ने और उनके एक रूम मेट ने जो कि जेम्स आर वॉन्ग है उन्होंने पूरी रात पिक्चर्स को ड्रॉ किया और कंस्ट्रक्ट प्लास्टिक मॉडल्स उन्होंने तैयार करे ताकि वह दिखा सके कि यह कैसे गुड हैपन कैसे घटित होते हैं सब सेल्स वगैरह का कार्य कैसे होता है एंड टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन थ्योरी और उसके बाद बाद में इन्होंने एक पेपर लिखा जो कि इनकी थ्योरी को बता रहा था सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड ब्राइड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइस्ट ऑनर एंड सेकेंड इन इज क्लास ऑफ फिफ्टीन टेन और सरप्राइजिंग ये था कि नो वन हु न्यू हिम और जो भी उन्हें नहीं जानता था रिचर्ड ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड कि रिचर्ड ब्राइट जब ग्रेजुएटेड हुए हार्वर्ड से विद हाइएस्ट ऑनर हाइस्ट ऑनर में जब वह ग्रेजुएटेड हुए तो उन्होंने सेकेंड इन हिज क्लास अब वह सेकेंड आए क्लास में कब जब वह और uh, उन क्लास की संख्या थी 1510 बच्चों में से वह सेकेंड आए तो अब इसके बाद उन्हें तो कोई ना जाने ऐसा हो नहीं सकता एंड ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अब इसके बाद ब्राइट चले जाते हैं क्या करने ग्रेजुएशन के बाद वह रिसर्च कर, करते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से एंड देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी अब यहाँ पे वह अपने जो थ्योरी उन्होंने लिखी है उस पर यह टेस्ट करना शुरू करते हैं इफ इफ द थ्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुअार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ अगर इनकी थ्योरी करेक्ट हो जाती है कि हाँ ये इनकी थ्योरी सही है तो यह एक बहुत बड़ा स्टेप होगा यह समझने का कि लाइफ कैसे प्रोसेस होती है इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग समाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज और इसकी वजह से हो सकता है कि हम हमारे अंदर हमारे पास कुछ न्यू आइडियाज़ आ जाए जिसकी वजह से हम कैंसर और अदर डिजीज अदर रोग से बचने के लिए कुछ हम कर सकें एंड ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियासिटी और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ एब्राइट की जो साइंस के लिए जो क्यूरियासिटी क्यूरियोसिटी थी उसके लिए जिज्ञासा जो थी उनकी साइंटिफिक उसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुई हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू दर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ और जो हाई स्कूल में उन्होंने रिसर्च किया था कि जो स्पॉट्स हैं मोनाज पर, प्यूपा पर वह धीरे धीरे क्या हुई कि उनकी थ्योरी वह थ्योरी अबाउट सेल लाइफ की तरफ वह बढ़े उसको खोजते खोजते रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई और रिचर एब्राइट इंटरेस्ट हुए साइंस की तरफ जब वह उन्होंने पहले जब ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग जब उन्होंने बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था एंड बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने मतलब पूरी तरीके से ही इसी में डूब गए यानी ही और ऐसा नहीं था कि उन्हें उन्हें अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं था ऐसा नहीं था वो अदर एक्टिविटीज के लिए भी समय निकालते थे ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइ एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन और ए ब्राइट एक साइंट साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे डिबेटर थे डिबेटर में जो तर्क वितर्क करते हैं पब्लिक स्पीकर थे और गुड कैनोइस्ट, गुड कैनोइस्ट में जो स्किल ऑफ रेसिंग होती है ना जो बोट की जो रेसिंग होती है वो क्या होती है कैनोइस्ट, उसमें भी वो बहुत अच्छे थे आउटडोर पर्सन थे मतलब सबके साथ जो सोसाइटी में जो उनका सोशलाइजेशन था वो भी बहुत अच्छा था थे, particularly nature के लिए, प्रकृति के लिए और जो वैज्ञानिक जो भी दृष्टिकोण से फोटोज वगैरा खींचने में ये बहुत ही महारत हासिल थी इन हाई स्कूल रिचर्ड्राइट वॉज अ स्ट्रीट स्टूडेंट और हाई स्कूल में यह ए uh, ब्राइट क्या थे सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह ही थे बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी क्योंकि इनके लिए लर्निंग क्या था सीखना बहुत ही ईजी था ही टर्न अलॉट ऑफ हिस एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स और तब वह अपने समय को ज्यादातर कहाँ पर लगाते थे कि डिबेट करने में और मॉडर्न यूनाइटेड नेशन क्लब्स क्लब्स वगैरह में जाते थे वहां पर अपने समय को यह पास uh, करते थे एंड ही ऑल्सो फाउंड टू एडमायर रिचर्ड ए विहरर और उनकी नज़र में सिर्फ एक ही लोग मतलब ऐसे थे जिसको वे एडमायर करते थे रिस्पेक्ट करते थे जो कि वो थे रिचर्ड ए विहरर थे एंड हिज सोशल स्टडीज टीचर उनके सोशल स्टडीज के टीचर थे एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स और वह एडवाइजर भी थे क्लब्स में एंड मिस्टर वहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन और मिस्टर वेहरर मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे ही ओपेंड माय माइंड टू न्यू आइडियाज ब्राइट्स ए ब्राइट कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए नए आइडियाज का द्वार खोल दिया था रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेहरर सेड कि रिचर्ड क्या है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा प्रयास करते थे किसी भी चीज़ को करने में वेहरर ऐसा कहते हैं एंड वॉट प्लीज मी हियर वाज़ दिस पर्सन हु पुट इन थ्री और फोर आर्स एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट वेहरर करते हैं कि जो कि मुझे मतलब प्लीज करता है कि मतलब मैं खुश हो जाता हूँ वो चीज़ सोच के कि आ, ब्राइट एक ऐसे ऐसे मतलब ऐसा स्टूडेंट था जो कि थ्री टू फोर आवर्स तीन से चार घंटे नाइट में वह डिबेट करते थे और उसके साथ साथ वो क्या कर क्या करते थे रिसर्च करते थे बटरफ्लाईज के ऊपर तितलियों के ऊपर एंड और जो अदर उनके इंटरेस्ट थे उन पर भी वह काम करते थे रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव मिस्टर वेहरर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस रिचर्ड के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो थी कि कंपटीशन करना है ये वाला मतलब मनोभाव तो था लेकिन उनका जो सेंस था वो बैड नहीं था मतलब किसी को गलत तरीके से नहीं हराना है <coughs> अपना जीतने की कोशिश करनी है ही एक्सप्लेनड रिचर्ड वाज एन इंटरेस्ट इन विनिंग फॉर विनिंग सीक और विनिंग टू गेट अ

जीतना चाहते थे एंड ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट और वह एकदम बेस्ट बनना चाहते थे एंड दैट इज वन ऑफ द इनग्रेडियंट ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और जो इन्ग्रेडियंट जो होते हैं ना जैसे आपको सब्जी वगैरह बनानी है तो क्या क्या चीजें चाहिए नमक हल्दी सब्जी तेल मसाले कुछ चाहिए ठीक मसालों में कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उससे सब्जी बनती है तो वैसे साइंटिस्ट को बनाने में क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है ये यहाँ बेहरह बताते हैं कि स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड कि पहले सबसे पहली बात है कि एक फर्स्ट रेट माइंड चाहिए बहुत अच्छा माइंड चाहिए एड क्यूरियासिटी क्यूरियोसिटी उसमें आप कुछ क्यूरियोसिटी ऐड करिए कि उस माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए एंड मिक्स इट विद द विल टू विन फॉर द राइट रीजन और इसमें आप राइट right रीजन भी आप मिक्स करिए तीन चीज़ें चाहिए एक साइंटिस्ट बनने में वह है कि एक माइंड गुड माइंड क्यूरियासिटी एंड राइट रीज़न आपके पास होना चाहिए एंड ऐब्राइट हैज दीज क्वालिटीज और इब्राइट के बाद ये ये सारी क्वालिटीज थी एंड फ्राम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार तेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम और जो ये बुक थी ट्रैवल ऑफ मोनाच टेन इसने क्या है इनके लिए साइंस का द्वार खोल दिया था एंड रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपने जो साइंस के प्रति जो क्यूरियोसिटी कुरि, थी जो जिज्ञासा थी वह कभी भी नहीं खोई और उस पर वह काम करते रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच